हम लोग डिस्कस करने हैं कि पीरियड्स और ग्रुप जो है वो कैसे पीरियोडिक टेबल में हमें एलिमेंट्स की, हमें जो पीरियोडिक टेबल मिला है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्रॉम लाइट एलिमेंट्स टू हाइवर एलिमेंट्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। लाइट एंड हाइड्रोजन जो है ये लाइट एलिमेंट है और पोटाशियम जो है ये हैवी एलिमेंट्स है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जिस तरह से हाइड्रोजन ग्रुप के अंदर पहले मेंबर है और उससे नीचे जो है वो आपके पास पोटाशियम आता है, विटामिन हम जो पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं फ्रॉम लाइट एलिमेंट टू हाइवर एलिमेंट यानी कि हैवी एलिमेंट्स की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स मैंने आपको बताया था, पीरियड्स हमेशा लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करते हैं और एक टेबल के अंदर जो है वो 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स जो हैं वो भी हमारे पास जो है वो तकरीबन 18 ग्रुप्स हैं जो कि पीरियडिक टेबल के अंदर शामिल हैं। और ग्रुप जो है ये कॉलम की शक्ल में होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसके बाद कहते हैं हमारे पास जो पीरियड्स होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई थी कुछ जो है वो रहती थी। तो पीरियड जो है इसकी सबसे अहम प्रॉपर्टी ये है, ये किसी भी एलिमेंट के अंदर शेल की तादाद को बताता है कि इसके अंदर शेल की तादाद कितनी होगी। जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास पीरियड वन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इट मीन इसका एक शेल है। इसी तरह वो उसको हम बोलते हैं वन एस। इसी तरह आपके पास इसके फ्रंट पे जो एलिमेंट है वो है इसके सामने जो है यानी कि पहले पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, तो पहले पीरियड है इट मीन इसके पास सिर्फ 1 एनर्जी शेल होगी। दूसरे पीरियड में होंगे उसके पास 2 एनर्जी शेल होंगी, तीसरे में होंगे 3 एनर्जी शेल, चौथे में होंगे 4। तो इस तरह जैसे हम फ्रॉम पीरियड के अंदर मूव करेंगे 7 तक, तो इसका मतलब ये है कि 7वें के अंदर जो है वो 7 एनर्जी शेल्स होंगे। तो पीरियड जो है वो 1 के बाद 2, यानी कि अगर 1 के बाद 2 आएगा इट मीन यहाँ पर 1 शेल है तो यहाँ पर 2 एनर्जी शेल्स हो जाएंगे। इसी बात तीसरा आएगा तो उसके 3 एनर्जी शेल्स हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। ये हम जब पीरियड जो है वो हमें एनर्जी शेल बताते हैं कि एनर्जी शेल कितने हैं। इसके बाद कहते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो गो डाउन जाते हैं, नीचे की जानब जाते हैं, तो पीरियोडिक टेबल शेल आर इंक्रीज्ड, तो इनके जो शेल नंबर है वो बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, ठीक है। देन कहता जी आपके पास जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट पीरियड के अंदर शामिल है और पीरियड 4th एलिमेंट है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं पोटाशियम एंड सिलीनियम की, पोटाशियम एंड सिलीनियम जो है ये एक ही पीरियड के अंदर शामिल है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स है, सॉरी इसके ये भी 4th पीरियड में शामिल है, ये भी 4th पीरियड में शामिल है, और लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और है इसके अंदर और है, लेकिन इनके अंदर शेल एक जैसे ही है। इसके अंदर भी 4 एनर्जी शेल्स हैं, इसके अंदर भी 4 एनर्जी शेल्स पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। इसके बाद कहता है कि आपके पास जो ग्रुप है, आप ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप हमेशा टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं। पीरियड के लिहाज से अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। नो सर। नो सर। ठीक है, तो ग्रुप्स के लिहाज से कहता है ग्रुप्स हमेशा टॉप टू बॉटम आते हैं और ये हमारे पास कॉलम की शक्ल में जो है वो पाए जाते हैं। इसके अंदर एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सब के जो वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तादाद एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट के मेंबर जो हैं उसके अंदर हाइड्रोजन आ जाता है, हीलियम आ जाता है, इसी तरह बेरिलियम, लिथियम वगैरह जो आ जाते हैं, इन सब के वैलेंस शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा क्योंकि ये ग्रुप वन के अंदर है। ग्रुप टू के अंदर जो मेंबर्स होंगे उन सब के वैलेंस शेल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 जो है, अच्छा अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो उसका जो ऊपर वाले टेबल उसका इस तरह सा है ऐसे, इस तरह ये मैंने वैसे इसके स्ट्रक्चर में ली, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से उन्होंने नंबरिंग की है। ये जो दरमियान वाले हैं इसने उसको बी का नाम दिया है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, तो असल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे हमारे पास जो 7 मेंबर 7 है उसके अंदर हमारे पास है
लाइक दैट क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो ग्रुप सेवन है वो हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है। ग्रुप सेवन के अंदर है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अब ये ग्रुप सेवन के अंदर है तो इट मीन इनके बैलेंस शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेवन सेवन, ठीक है। तो इस वजह से इनके जो ग्रुप में सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनका अगर पीरियड देखें तो ये आपके पास जो है वो पीरियड ये फ्लोरीन तीसरे पीरियड में आता है। तो इट मीन इसके तीन एनर्जी शेल्स होंगे लेकिन बैलेंस शेल के अंदर सात इलेक्ट्रॉन होंगे। पीरियड इसका तीसरा है, ग्रुप इसका सेवन है, तो इट मीन पीरियड हमें बताता है नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स और हमें ग्रुप बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अंडरस्टैंड? यस सर। कि हमारे पास पीरियड ने बता दिया कि इसके बाद कितने एनर्जी शेल होंगे, तीन होंगे, दो होंगे, एक होगा, चार होंगे, पांच होंगे, और ग्रुप ने हमें बता दिया कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल आपको पता ही है जो कि बॉन्डिंग के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसके अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हमारे पास कहते हैं आर हैज सेवन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जितने भी हैं इन सब के वैलेंस शेल के अंदर जो है वो सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो आपके पास ग्रुप्स और पीरियड हो गए। इसके अंदर अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अगर इसके लेवल को क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे इसका क्वेश्चन जो है वो कमेंट के अंदर करके